गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो देखा था, तो पिछला वीडियो पे जो भी मैंने बताया था उसे आज मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा। तो पिछला वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। ये कोई मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इसी पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, चूँकि ये दोनों कोण क्या है, एक अंतर है, ठीक है। इस एंगल को हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे और इस एंगल को हम लोग अनुमन कोण बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में यदि अनुमन कोण दिया रहे तो भी हम लोग उन्नयन कोण लेकर ही बनाएंगे, ठीक है। कुछ भी दिया रहे, अनुमन कोण रहे तो हम लोग हमेशा उन्नयन कोण भी कोण ही लेकर बनाएंगे, क्योंकि उन्नयन कोण बराबर अनुमन कोण होता है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों एकांतर कोण है तो उन्नयन कोण लेकर बनाएंगे। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि ये जो ये पी है, बी है और ये एच है, पी बी और एच के बीच का रेशियो हम लोगों ने देखा था 30 डिग्री पे 1:√3:2 और 60 डिग्री पे √3:1:2 और 45 डिग्री पे 1:1:√3 हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केस फर्स्ट केस सेकेंड, ठीक है। केस फर्स्ट को हम लोग सेम डायरेक्शन, केस सेकंड को हम लोग बोलेंगे ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोगों ने देखा था किसी एंगल से हम लोग इस पॉइंट पे खड़ा होकर मीनार की चोटी को देख रहे हैं, ये तो मीनार की चोटी से हम लोग इस पॉइंट को देख रहे हैं, यानी कि एक ही एंगल से हम लोग देख रहे थे। लेकिन अगर अब हम लोग एंगल बदल के अगर हम लोग देखें, मान लो सी से देख रहे हैं, सी से खिसक के मान लो इस पॉइंट पे आके फिर हम ए को देख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल में परिवर्तन के कारण इसके बीच का जो डिस्टेंस में जो परिवर्तन होता है, ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, इसके लिए भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि ये जो मीनार है इसको हम लोग दोनों साइड से देख रहे हैं, इधर से भी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, सेम साइड पे देखा था θ1 θ2, दोनों एंगल में परिवर्तन के कारण इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है परिवर्तन हुआ था। आज उसी तरह हम लोग एंगल बदल के देखेंगे, θ1 θ2 दोनों साइड से देखेंगे। तो इस तरह का जो कंडीशन है इसको बोलते हैं ओपोजिट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन कंडीशन। लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन चाहे सेम डायरेक्शन, हमें घबराना नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक मास्टर ट्रिक होता है, डिस्टेंस बराबर ये जो डी है, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले सी पे हम लोग खड़ा होकर देख रहे थे, उसके बाद डी पे खड़ा होकर देख रहे थे, इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे मीनार के दोनों साइड से हम लोग खड़ा होकर देख रहे थे, सी पे खड़ा होकर देख रहे थे, डी पे खड़ा होकर देख रहे थे, आखिर दोनों के बीच का तो डिस्टेंस ही हुआ ना। यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, सेम डायरेक्शन रहे या अपोजिट डायरेक्शन रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मास्टर ट्रिक अपनाते हैं कि इसका जो हाइट होता है, मीनार को हाइट होता है, उसको सबसे पहले हाइट इंटू क्या करेंगे, कॉट इंटू छोटा वाला, कॉट का छोटा वाला एंगल माइनस कॉट का बड़ा वाला एंगल, ठीक है। यानी कि एच इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। लेकिन ये तो खाली मेरे सेम डायरेक्शन के लिए हुआ, अगर ओपोजिट डायरेक्शन को ही इसी में लेना है तो माइनस और प्लस कर देंगे और कुछ नहीं, ये मेरा हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस लेंगे, अगर ओपोजिट डायरेक्शन है तो हम लोग प्लस लेंगे, घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कभी कभी लोग घबराने लगते हैं कि बाप रे, ये सेम डायरेक्शन वाला पूछा है, एक साइड से खड़ा होकर एंगल बदल के देख रहा है, और कभी है कि ये मीनार है, मीनार के दोनों साइड से देख रहा है, तो भाई कैसे बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये जो डी है, डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जहाँ से हम खड़ा होकर देख रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस बराबर इसका जो मीनार का जो हाइट है, हाइट इंटू कॉट θ1 प्लस माइनस या माइनस प्लस कॉट θ2, यानी माइनस हम लोग माइनस का इस्तेमाल कब हम लोग करेंगे, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब प्लस का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है।
मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, यह टाइप थ्री है, ठीक है। हम लोग टाइप थ्री को देखेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है समुद्र में दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं, यानी कि लाइट हाउस है, ठीक है, दोनों ओर चल रहा है। दोनों जहाजों से देखे गए लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर, ठीक है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन अगर दिया रहे और दोनों में एंगल अलग अलग दिया रहे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन बोला है तो हम लोग सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करेंगे। ये ए है मेरा, ये बी है, ये सी है, ये मेरा डी है। मान लो ये मेरा एक एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना है 45 डिग्री है। ये मेरा हाइट कितना है 100 मीटर है, लाइट हाउस का हाइट क्या है 100 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है समुद्र में दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं, दोनों जहाजों से देखे गए लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है 100 मीटर, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ये डी है। बस हमको डी निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही कंडीशन अप्लाई कर दें। तो डी बराबर क्या होता है, लाइट हाउस का जो हाइट है कितना, हाइट 100 मीटर है, हाइट इनटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। लेकिन ये हम प्लस करेंगे क्योंकि क्या है, लाइट हाउस दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, दोनों अलग अलग साइड का बात हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का बात हो रहा है। यानी कि कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री, बस ये सब बैठा दिए तो बराबर क्या होगा 100, या माइनस, ये जो माइनस का जो जिक्र है, लेकिन ये क्या है, ये सेम डायरेक्शन का है और इसमें क्या अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे, हो गया प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाए, कोट 30 का वैल्यू √3 प्लस 1 बराबर 100 इंटू √3 प्लस 1, बस मेरा आंसर हो गया, सोचना नहीं है। एक और एग्जांपल मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक 60 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तथा एक सड़क सीधे जाती है, मीनार की चोटी से सड़क पर विपरीत दिशा में खड़ी दो कारों के अनुमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगर अनुमन कोण का भी अगर हमारे पास जिक्र है तो हम उसको क्या करेंगे, उन्नयन कोण लेकर ही बनाएंगे, ठीक है। हमेशा चूंकि हम लोग जानते हैं उन्नयन कोण और अनुमन कोण दोनों क्या होता है, एकांतर कोण होता है, दोनों एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, 60 मीटर ऊंचे मीनार के आधार तथा एक सड़क सीधे जाती है, मीनार की चोटी से सड़क पर विपरीत दो दिशा में खड़ी दो कारों के, मान लो यहाँ से दोनों दो दिशा में खड़ी दो कार है, ठीक है। अनुमान कोण है तो हम लोग क्या करें, उन्नयन कोण लेकर ही बनेंगे, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये मान लो एक 30 डिग्री है तो एक मेरा क्या होगा 60 डिग्री है, ए है, बी है, सी है और ये मेरा डी है। तो ऊंचाई मीनार कितना है 60 मीटर ऊंचा है, तो कह रहा है दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें, एक कार सी एक कार डी है, ये दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा क्या है डी है। तो हम लोग डी कैसे निकालें, डी बराबर क्या करें, मीनार की ऊंचाई गुना क्वाट को एक साथ 30 डिग्री के साथ एक बार लिखेंगे, छोटा वाला एंगल के साथ एक बार लिखेंगे, एक बार बड़ा एंगल के साथ लिखेंगे और क्या करेंगे प्लस कर देंगे, चूँकि क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर से देख रहा है एक इधर से देख रहा है, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट 30 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, बस हो गया। यानी कि 60 इंटू कॉट 30 का वैल्यू √3 प्लस कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 60 इंटू √3 एलसीएम ले लें, √3 प्लस 1/√3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 60 इंटू 3/1 कितना, 3/1 कितना 4 हुआ, 4/ क्या है √3 है, तो √3 करेंगे बराबर क्या होगा,
240 बटे रूट थ्री हुआ, लेकिन ये रूट थ्री का हमको हटाना है तो क्या करें, ऊपर नीचे रूट थ्री से गुना कर देंगे, तो क्या 240 रूट थ्री बटे थ्री, तीन से कट गया तो क्या हुआ 80, यानी कि 80 रूट थ्री। बस आसानी से मेरा ये निकल गया। दोनों कारों के बीच की दूरी क्या हो गया, डी बराबर 80 रूट थ्री हो गया। ठीक है, एक और चीज़ अब हम लोग देखेंगे, ये केस वन भी हम लोगों ने देख लिया, केस टू भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, केस थ्री को देखेंगे। ठीक है, केस थ्री में हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हम लोग अब एंगल परिवर्तन अब किधर हो रहा है, इधर परिवर्तन हो रहा है। ये पॉइंट क्या है, फिक्स है, लेकिन एंगल परिवर्तन क्या हो रहा है, इधर हो रहा है। मान लो ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस मेरा डी है और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस मेरा एच है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो डी बराबर हम लोग होता है ये दोनों एंगल के बीच, दो एंगल में परिवर्तन, यहाँ जो ये एंगल ये क्या है, दोनों में परिवर्तन हुआ, चाहे यहाँ से ही देखा जाए, यहाँ से देखा जा रहा है। तो डी बराबर ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट, ये जो हाइट है, हाइट इंटू टेन थीटा टू, मान लो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से मान लो डी को देखें, यहाँ से मान लो हम ए को देखें, सी से सी पॉइंट पर खड़ा होकर डी को देखें, सी पॉइंट पर खड़ा होकर ए को देखें, लेकिन क्या हुआ, दोनों में अलग अलग है, एक थीटा वन है, जब हम डी को देख रहे हैं तो थीटा वन एंगल बन रहा है, जब हम ए को देख रहे हैं तो थीटा टू एंगल बन रहा है। तो इसमें हम डी जो ये जो डिफरेंस है, डी बराबर क्या होता है, ये जो हाइट है, हाइट इंटू टेन को एक बार थीटा टू के साथ बड़ा वाला एंगल माइनस टेन थीटा वन, छोटा वाला एंगल बटे टेन थीटा वन। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग हाइट अगर इसको सेपरेट करके हम लोग लिखेंगे, ये मेरा एक रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर सेपरेट करके लिखेंगे तो h बराबर क्या हो जाता है, डी इंटू छोटा वाला एंगल, टेन का छोटा वाला एंगल बटे टेन का बड़ा वाला एंगल माइनस टेन का छोटा वाला एंगल, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। बस मेरा हो गया। ठीक है, तो इस अब हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड या तो हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं, अगर मेरे पास है तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है, कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक ब्रिज के शीर्ष से अनुमन कोण 60 डिग्री है, 20 मीटर नीचे उतरने पर अनुमन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक ब्रिज के शीर्ष से अनुमन कोण 60 डिग्री है, 20 मीटर नीचे उतरने पर अनुमन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अगर इस तरह का बात बोले ब्रिज से चढ़ना उतरना, या तो कोई टावर से चढ़ना उतरना खिसकना कुछ भी रहे, अगर उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, हम देख कहाँ से रहे। देखो इसमें अनुमन, इस क्वेश्चन में अनुमन कोण का जिक्र है। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें देखो अनुमन कोण का जिक्र है, तो हम लोग क्या करें, उन्नयन कोण लेकर ही बनाएंगे। क्या करेंगे, उन्नयन कोण लेकर ही बनाएंगे, और डायग्राम यही बनेगा, ऑलवेज बनेगा। ठीक है, तो मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, छोटा वाला एंगल क्या है, ये 30 डिग्री है, बड़ा एंगल क्या है, ये मेरा 60 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है ये 20 मीटर नीचे उतर रहा है, क्या कह रहा है, 20 मीटर नीचे उतर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमें घबराना नहीं है, ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है, ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ए और ए बी क्या है, ब्रिज का ऊंचाई है, ये डी बी क्या है, एच है, ये स्मॉल एच वन बोलो चाहे जो भी बोलो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपल से हम लोग जानते हैं h बराबर, ये जो h होता है, ये जो हाइट होता है, ठीक है, ये जो हाइट होता है h बराबर, जैसा कि यहाँ के मैंने लिखा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, 20 है, h बराबर डिस्टेंस
इंटू टेन का छोटा वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, बटे टेन का बड़ा वाला एंगल माइनस टेन का छोटा वाला एंगल के बीच का डिफरेंस, यानी कि टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री, यही फार्मूला है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 3√ माइनस टेन 30 डिग्री, 1/√3, यानी कि 20/√3/√3/√3 माइनस 1/√3। इसको हम लोग एलसीएम लिया, ये मेरा मेन लाइन है, इतना भागा इतना भागा इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, 20/√3 भागा को गुना बदल दें, नीचे ऊपर चल जाएगा, 3/√3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 10 हो गया, 3/√3 कट गया, यानी कि h बराबर कितना हो, 10 हो। h मतलब क्या, ये जो h है, h1 बोलो, जो भी बोल सकते हैं। अब कह रहा है कि ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करें, ब्रिज की ऊंचाई हाइट बोल रहा है, हाइट मतलब ए बी, बराबर क्या हो जाएगा, बी डी प्लस ए डी होगा, तो बी डी मेरा कितना है, 10 प्लस ए डी कितना, 20 है, यानी कि 30 मीटर हो गया, बस यही। तो अगर ये रिलेशन के बारे में अगर हमारे पास यदि छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा भी कंसेप्ट है, तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाइट निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये हाँ, तो हम लोग देख रहे थे क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, बैटरी का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हम लोग हाइट कैसे निकालते हैं, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी जिस एंगल से देखें, अलग अलग एंगल से देखने के बाद यहाँ जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस बना है, ठीक है, डिस्टेंस का डिफरेंस गुना टेन का छोटा वाला एंगल बटे टेन का बड़ा वाला एंगल माइनस टेन का छोटा वाला एंगल लिख दिया, तो मेरा हाइट निकल जाता है। ठीक है, तो इसी रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पे किया और बड़ा आसानी से क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इस टाइप पे मेरा टाइप 4 पे ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है कह रहा है कि 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा खड़ा है। क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि यह कोई मीनार है, 20 मीटर ऊंचा मीनार है, इस पर कोई झंडा है। ठीक है, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है कि दो उन्नयन कोण बन रहे, 45 डिग्री, एक छोटा डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो 45 क्या है, छोटा, ये क्या है 45 डिग्री, और ये क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या है, डी मानते हैं, ए बी सी और ये डी है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि ये हमको डिस्टेंस हमको निकालना है, ये जो डिस्टेंस है वह झंडे के खंभे का लंबाई होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि d बराबर क्या होता है, जितना हाइट है, ये जो हाइट है h, ये जो h है, यानी ये वाला h है, हाइट इंटू टेन का बड़ा वाला एंगल माइनस टेन का छोटा वाला एंगल बटे टेन का छोटा वाला एंगल, बराबर क्या करें, हाइट कितना है 20 है, इंटू टेन का बड़ा वाला एंगल, टेन का बड़ा वाला एंगल कितना 60 माइनस टेन का छोटा वाला एंगल कितना 45 बटे टेन का छोटा वाला एंगल 10 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, 3√ माइनस 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 20 इंटू √3 माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक और चीज़, अब हमको देखना है, देखना क्या है
हाँ, तो इसमें आप क्या बोला है कि झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। झंडे के खंभे का लंबाई तो यही ना हुआ, ये जो डी है यानी कि वही तो झंडे के खंभे का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का जो डिस्टेंस है ये झंडे के खंभे की लंबाई हुआ हमारा। ठीक है, अब एक टाइप का और क्वेश्चन हमारा बच गया है कि आंधी से मान लो कोई पेड़ है, ये मेरा कोई पेड़ है, ठीक है, ये मेरा कोई पेड़ है, बीच से टूट गया और ज़मीन पे आके सट गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं ये जो जितना हाइट ये टूटा वही वाला हाइट ये होगा, ये हमारा एच हो जाएगा। मान लो ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो ये दोनों, ये मान लो पी हो गया, ये बी हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये पी हो गया और ये एच है, ये जो एच होगा वही ये एच होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो आंधी के कारण क्वेश्चन है, एक पेड़ आंधी में टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि आंधी से मान लो कि ये मेरा कोई, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये एक पेड़ आंधी में टूट गया है, मान लो कोई पेड़ है आंधी में टूट गया, मान लो ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है, एक पेड़ आंधी में टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री कोण बनाता है, ये यहाँ से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है जड़ से दूरी कितना है, 30 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये जो एच होगा यहाँ से यहाँ तक जो टूटा है वही ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ये मान लो पी बराबर, ये एच बराबर, ये बी बराबर। तो हम लोगों ने देखा था कि पी इज टू बी इज टू एच का रेशियो 30 डिग्री पे क्या था, 1:√3:2 देखा था। ठीक है, इस रेशियो पे हम लोग बैठा देंगे बी बराबर 30, यानी कि बी जो है रूट थ्री का जो रेशियो है वो क्या है, 30 के बराबर है। ठीक है, वो कितना टाइम्स है, यानी कि 30/√3, तो सब वही हो जाएगा, गुना 30/√3, 2×30/√3 तो कितना, 60/√3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/√3 टाइम सी भी होगा 30/√3, यानी कि 30/√3 ये भी होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, ये जो पेड़ का वो जो ऊंचाई है ये P और H का जो सम होगा यही क्या होगा, हमारा पेड़ का ऊंचाई होगा, यानी कि P प्लस H, P मेरा ये है, H मेरा ये है। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 30/√3 प्लस 60/√3 तो कितना होगा, √3, यानी कि 30 + 60 यानी क्या होगा, 90/√3। तो √3 को हमको हटाना है, तो 90/√3 इंटू ऊपर नीचे √3 से गुना का अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 90√3/3 कट गया तीन बार में, 30 बार में, तो क्या हो जाएगा 30, ये अगर कट जाएगा तो इसको तो क्या हो जाएगा 30√3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, 90/√3 कोई कन्फ्यूजन होता है, 90/√3 है तो भाई इसको हम लोग कैसे शॉर्ट में करें, कभी कभी नहीं बुझाता तो सीधे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, चूँकि ये √3 का हमको हटाना रहता है तो क्या हो जाएगा, 90√3/3, 3 से काट दें 30, यानी क्या होगा 30√3, वही चीज़ आया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोल रहा उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो पेड़ का ऊंचाई कितना था, जो पी और एच का जो सम था वही कितना, 30√3, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं जाएगा, ये तो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ये कितना शॉर्ट में कैलकुलेट करते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 15 फीट ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है और उसकी ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है पृथ्वी को 30 डिग्री पर स्पर्श करता है, खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है। ठीक है,
15 फीट ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है। मान लो 15 फीट मान लो ऊंचा खंभा है, मान लो इतना ऊंचा खंभा है, ये मान लो यहाँ से टूट गया है और जमीन से आके सट गया है। ये टोटल कितना है? मान लो ए है, बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो मान लो ये एच है तो ये भी एच होगा, ये बी बराबर, ये पी बराबर। तो 15 फीट क्या होगा? यानी कि पी प्लस एच बराबर 15, ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ठीक है। और कह रहा है 30 डिग्री पर स्पर्श करता है, क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री पर स्पर्श करता है। 15 फीट ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है और उसके ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है पृथ्वी को 30 डिग्री पर स्पर्श करता है। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है? यानी 30 डिग्री पर बोल रहा है, ठीक है। बस यही जानना कि कितना डिग्री पे, ये क्या है 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे पी बी एच का रेशियो क्या होता है? पी इज टू बी इज टू एच का रेशियो 30 डिग्री पे क्या होता है? 1:√3:2 होता है, ठीक है। तो ये क्या दिया है? 15 क्या है? पी और एच, ये पी और एच, ठीक है। पी कितना है रेशियो में? रेशियो में 1 है और एच कितना है? 2 है। यानी कि क्या ये 3 बराबर क्या है? 15। 3 का रेशियो क्या है? 15 के बराबर है। तो 1 का रेशियो क्या हो जाएगा? 15/3 यानी 5। यानी कि 1 का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि 1 का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना गुना है? 5 गुना है। √3 का भी 5 गुना होगा, 5√3। इसका भी कितना गुना होगा? 5 गुना होगा, 5 × 10 हो गया, ठीक है। जो टाइम्स जो होता है ना हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या था? खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा? तो खंभा टूटा कितना ऊंचाई पर, ठीक है। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा तब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हाइट मेरा कितना है? 15 है, ठीक है। और हाइट मेरा कितना है? ये टोटल हाइट मेरा 15 है। और एसी बराबर पी बराबर मान लो मेरा 5 है, ठीक है। और डीसी बराबर ये एच बराबर मेरा 10 है। तो हम लोग खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा ये नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा? तो खंभा 10 मीटर की ऊंचाई पर टूटा, ठीक है। तो एक और चीज़ हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि अगर किसी क्वेश्चन पे इस तरह दिया रहे, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन पे इस तरह दिया रहे, ये मेरा θ1 है, ये मेरा θ2 है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। ये हाइट मेरा एच है, ये मेरा क्या है? एक्स है। और ये बी डी कितना है? वाई है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन में अगर मेरे पास रहे, अगर क्वेश्चन में कहे कि θ1 और θ2 क्या पूरक हो, अगर इस तरह का किसी क्वेश्चन पे अगर मेरा दिया हुआ रहे, मतलब θ1 + θ2 = 90 हो, तो θ2 = क्या होगा? 90 − θ1, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो हम आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें हाइट हम लोग कैसे निकालें? हाइट बराबर होता है, अगर ये पूरक हो तो हाइट बराबर होता है √a से d के बीच का डिस्टेंस और a से बीच के बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि AD × AB हो जाएगा। यानी कि √AD कितना है? x इंटू AD हो गया, AB हो गया, तो AB कितना? x + y × x + y। ये मेरा h निकल गया, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा? √x × x + y। अगर ये डायरेक्ट अगर पूरा वाला क्वेश्चन रहे तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये तो सेम साइड से है, अलग अलग एंगल से हम लोग बी और डी से डी पर बैठ कर हम लोग सी को देख रहे हैं अलग अलग एंगल पर, लेकिन दोनों का जो एंगल है वो क्या है? एक दूसरे का पूरक है। अगर यही एंगल मेरा अगर दोनों साइड बने और अगर वो दोनों एंगल पूरक हो, ठीक है, मान लो ए है, बी है, सी है और ये डी है, ये मान लो θ1 है, θ2 है, ठीक है। अगर इस तरह का केस अगर आए
ये h है, ये मेरा x है और ये y है, ठीक है। अगर हमको ये इसमें बोल रहा है कि थीटा वन और थीटा टू क्या है, पूरक है, मतलब दोनों जो उन्हें कौन है, दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है, यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर क्या है 90 डिग्री। अगर इस तरह दिया हुआ रहे तो हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट बराबर अंडर रूट बी डी इंटू बी सी, बी से डी के बीच का डिस्टेंस गुना बी से सी के बीच का डिस्टेंस से मल्टी गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, मेरा हाइट निकलेगा उसका अंडर रूट। तो क्या करें, अंडर रूट बी डी कितना है, एक्स इंटू वाई, ये मेरा हाइट निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन कभी हमारे पास अगर आए तो हम बहुत इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने टाइप वन टाइप का क्वेश्चन को बोला था कि बाद में डिस्कस कर दूंगा, तो मैं चाहता हूं कि अभी डिस्कस कर दूं, ठीक है। तो टाइप वन टाइप का मेरे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि एक कुदर्ग मीनार के साये की लंबाई उसकी लंबाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ए बी सी क्वेश्चन में कह रहा है एक उदर्ग मीनार के साये की लंबाई उसकी लंबाई का 1/√3 गुना है। मान लो अगर ये 1 है तो छाया क्या है, 1/√3 गुना है। तब ये कह रहा है कि ये जो एंगल है एंगल कितना होगा, तो एंगल बड़ा आसानी से हम लोग निकाल देंगे कि ये एंगल मान लो थीटा है तो टेन थीटा वाला क्या हो जाएगा, टेन थीटा वाला पी बटे बी होता है, पी कितना है मेरा 1 है, बी कितना है 1/√3 है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे पी बटे बी, ठीक है। ये P बराबर, ये B बराबर, ये H बराबर हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। यानी कि टेन थीटा बराबर 1/1 इंटू, इसको प्लट देंगे तो √3/1, यानी कि टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। टेन कितना का वैल्यू √3 होता है, 60 डिग्री का, इसलिए थीटा बराबर मेरा 60 डिग्री आ गया। और दूसरा वाला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, एक पतंग के धागे की लंबाई, ठीक है। ए बी सी, ये क्या है, पतंग का धब्बा है, धागा, धागे की लंबाई कितना है 120 मीटर है, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। इसका जहाँ तक हम लोग जानते हैं पी बी बराबर, ये इसको एच मानते हैं, तो रेशियो मेथड से हमने क्या बताया था 30 डिग्री पे, पी इज टू बी इज टू एच का रेशियो 30 डिग्री पे हमने क्या बताया था, 1:√3:2 बताया था, ठीक है। इसमें 2 का जो रेशियो है वो क्या 120 के बराबर है, 2/120 कितना गुना है 60 गुना, तो ये भी कितना गुना हो 60 गुना, एक भी कितना गुना हो 60 गुना, 60 गुना √3 तो क्या होगा 60√3, ये 1 गुना 60 तो क्या होगा 60 हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है बोला है पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो पतंग जमीन से कितना ऊंचाई पर ये है, ये क्या है पी है, यानी कि पी का जो वैल्यू निकला कितना 60 निकला, यानी कि पी बराबर ये जो 60 मीटर है ये मेरा क्या होगा पतंग का ऊंचाई होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है मेरा, उसको अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ मैंने पहले डिस्कस किया था, ये थोड़ा सा जगह इसी में हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी क्या है, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर दीवार के साथ टिकी हुई है, मतलब सीढ़ी का जो ऊंचाई है, सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दीवार, अच्छा दीवार का जो ऊंचाई है वो क्या है 10 मीटर है, ठीक है। और वो जो सीढ़ी लगा हुआ है दीवार पे वो कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी ज्ञात करें। मान लो ये दीवार है, दीवार पे ये क्या है मेरा कोई सीढ़ी है, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ए है बी है सी है, ये दीवार की ऊंचाई कितना 10 मीटर दिया है, यानी पी बराबर मेरा दिया हुआ है, एच बराबर नहीं दिया है और ये बी बराबर मेरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोगों पहले देखा हम लोगों ने कि पी इज टू बी इज टू एच 30 डिग्री पे रेशियो क्या होता है 1:√3:2 होता है, ठीक है। ये सब पी बराबर 10 दिया है, यानी कि पी क्या है एक का जो रेशियो है वो कितने के बराबर 10 के बराबर, कितना गुना 10 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा 10 गुना होगा, तो 10√3 होगा, 2 भी 10 गुना होगा, यानी 10 × 20 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है सीढ़ी के पाद दीवार
से पाद की दीवार से दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी है क्या है, बी है, तो बी बराबर कितना, 10√3। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 10√3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब था मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन, मैंने करा दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसे बाहर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा हाइट और डिस्टेंस का जो चैप्टर है ये मेरा समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ नए टॉपिक पर कुछ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ ही दिनों में आने वाला है। थैंक यू।